यकन अब्दू व यकन अस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, UBL की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कैश ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है कैश ऑफिसर के लिए, वो मिनिमम मैट्रिक है। आजकल के दौर में बैंक में कैशियर के लिए भी जो है कम से कम ग्रेजुएशन डिमांड करते हैं, लेकिन UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने, जो कमर्शियल बैंक है और बड़ा बैंक है, तो इन्होंने ये मिनिमम मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिकुलेशन जो है वो मिनिमम रखी है। आपकी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बॉर्न ऑन और आफ्टर 31 दिसंबर 1989, इसमें पैदा हुए हैं या इसके बाद जो पैदा हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1989 के बाद जो अप्लाई पैदा हुए हैं लोग, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और 35,000 आपकी मिनिमम सैलरी होगी, और प्लस अदर बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि इंश्योरेंस का बेनिफिट हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए पर्सन और उसकी फैमिली के लिए, तो वो बेनिफिट्स भी होंगे। बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और ज़रूर अप्लाई करें, एटलीस्ट अप्लाई तो करें, बाकी कामयाबी अल्लाह पाक देता है। और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, स्पेशली मैट्रिक के लोगों को लेकर के, वो लोग तो बेचारे सोच भी नहीं सकते ना इंजीनियरिंग का अप्लाई करने का, क्योंकि डिमांड्स ही बहुत हाई हो गई हैं HR वालों की, कि काफ़ी कुछ मांग रखा होता उन्होंने। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ज़रूरी नहीं मैट्रिक वाले, FSC वाले, FA वाले, ICOM वाले, सब लोग जो हैं अप्लाई करें इसमें। और ये तरीका है अप्लाई का, कि इस वीडियो में आपको डिटेल में तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है और CV पोस्ट करनी है, और फिर अप्लाई हो जाएगा आपका। ऑनलाइन अप्लाई है, कहीं जाकर आपने अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको, एक CV बनी हुई हो आपकी, और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ खास मैं नहीं मांगा, हो गया। चले हम चलते हैं दोस्तों के अप्लाई की तरफ। पहले दोस्तों आपने गूगल पे जाकर सबसे पहले लिखना है UBL जॉब्स। UBL जॉब जब लिखेंगे आप, तो ये सब कुछ सामने आ जाएगा कैरियर्स का। कैरियर्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप, थोड़ा इंटरनेट स्लो है, तो कैरियर्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये साइट खुलेगी आपके सामने। इसके बाद आप लोगों ने जो कैरियर्स आपको टॉप पे जो नज़र आ रहा है वहाँ क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद लेटरल हायर्स पे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पर। कि जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये देखें, काफ़ी सारी, ये सारी वैकेंसीज हैं। यूराइज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ब्रांच ऑफिसर, ऑपरेशंस मैनेजर, मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, और ब्रांच मैनेजर, मैनेजर कॉरपोरेट ब्रांड एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। तो ये काफ़ सारे आपके सामने हैं, तो आपने अब लेटरल अप्लाइज, काफ़ सारी जॉब्स हैं आपके सामने ना, आपने अब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई ये देख के आपके सामने कितनी सारी जॉब्स हैं। मैं दोबारा उस पेज पे लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को सामने नज़र आए कि कितनी जॉब्स हैं। ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर, सर्विस एम्बेसडर, ऑफिसर ट्रेड, प्रोसेसिंग सेंटर, यूराइज एनालिस्ट, ये इतनी सारी जॉब्स हैं। साथ हर जॉब के साथ अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे किसी भी जॉब के लिए, यानी साथ जो दी गई है इसके साथ के जो जॉब नेम है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, तो साथ अप्लाई नाउ पे करेंगे तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब यूराइज मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, तो मैं आपको टॉप पे जॉब है, मतलब सबसे पहले वाली जॉब यही आ रही है, इसको अप्लाई करने का, इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। और सारे जॉब्स के ऊपर इस तरह ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। कैश ऑफिसर है तो उसके लिए भी आप लोग इस तरह ही अप्लाई करेंगे। लेट्स गाइस मूव ऑन। देखें, अप्लाई नाउ पे क्लिक किया था मैंने, तो अभी नेक्स्ट पेज आपके सामने है। ईमेल एड्रेस मांगा हुआ सबसे पहले, तो
ईमेल एड्रेस देंगे इसके ऊपर आप? वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा वो दोबारा वो ओपन कर देता है पेज, और मे बी कि साइट के ऊपर लोड इतना आया हुआ होता है कि हर कोई अप्लाई कर रहा हो शायद, मे बी तो इस वजह से भी साइट अक्सर प्रॉब्लम करती है। इससे नहीं घबराना आपने। फॉर एग्जाम्पल नाना शिराज मेरा नाम है, तो आपको एज एन के कैसे अप्लाई करते हैं टिकट बनाने के लिए, मैं एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है? फर्स्ट नेम पे राणा आ जाएगा, सेकंड लास्ट नेम पे राणा शिराज आ जाएगा, और ये कि जिसका फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जो है वो फर्स्ट नेम हो जाएगा उसका, कासिम जो है लास्ट नेम हो जाएगा उसका। इस तरह आप लोगों ने नाम लिख देना है, और सी एन एस सी अपना आपने ठीक लिखना है, मैं तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे लिख टाइप कर रहा हूँ। चलो ठीक लिखेंगे तो फिर वो कंसिडर करेंगे आपको, ठीक है? सी एन एस सी टाइप करेंगे आप, रिलीजन टाइप करेंगे अपना, मुस्लिम लिखते हैं, इस्लाम लिख दें, अगर आपने कोई और रिलीजन के हैं तो प्रेफर नॉट टू डिस्क्लोज, ये भी कर सकते हैं। जेंडर मेल है तो मेल्स, फीमेल्स हैं तो फीमेल्स सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आप लोग ये अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, ईयर्स में जाके ईयर्स ओपन करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो मंथ्स हैं वो चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चूज़ कर रहा हूँ 5 मार्च 2001। एड्रेस आपने पूरा लिखना है, मैं मुल्तान लिख रहा हूँ यहाँ, लेकिन आप लोगों ने पूरा लिखना है कि जो आईडी कार्ड है वैसा ही लिखना है आप लोगों ने एड्रेस से। फिर सिटी पे आ जाएंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे नीचे से आकर, सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, वो पाकिस्तान लिखा गया, पाकिस्तान तो एड्रेस नहीं मुल्तान, तो मुल्तान नेक्स्ट सिटी है, तो सिटी पे ऊपर जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना कई ऑप्शंस खुल जाएंगे उसके, ऑप्शन जब खुलेंगे तो सारे सिटीज के बारे में बारी बारी जैसे नाम लिखे होंगे, आपने सिटी सेलेक्ट करना है अपना, मैं यहाँ मुल्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो शायद आपको वो देख रहे हैं सिटीज आ रहे हैं तो वो शो नहीं हो रहा, टैब खुला हुआ है, लेकिन हाँ ऐसे ही टैब जैसे बर्थडे सेलेक्ट की थी ना अपने डेट ऑफ बर्थ, वैसे ही टैब खुलता है, वो सारे सिटीज के नेम आ रहे होते हैं, अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट मोबाइल नंबर एंटर कर दें, होम जो दो नंबर हैं, एक नंबर अक्सर ज़्यादातर दो या तीन नंबर होते हैं जो चल रहे हैं, वो नंबर वो डाल दें इसमें, एक नंबर यहाँ होम नंबर पे आएगा, दूसरा नंबर मोबाइल नंबर पे आएगा, यानी कि दोनों दो नंबर हैं आपके पास तो दोनों डाल दें जो जो चल रहे हैं यहाँ। उसके बाद ये ज़रा देख लें, जो ये आर यू डिसेब डिफरेंटली एबल्ड, इसका मतलब ये है कि किसी का कुछ मतलब कुछ बाजू वगैरह टूटा हुआ है या डिसेबल पर्सन है उनके लिए यस करना है, वो लोग यस करें, यहाँ पर कोई माजूर है, कोई प्रॉब्लम है उसको इस टाइप की तो वो यस करें, जो माशाल्लाह से हेल्दी हैं ठीक हैं तो वो नो पे क्लिक करें, जो ठीक हैं बिल्कुल। और यहाँ आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देंगे क्या कर रखा है आपने, यहाँ आप टैब करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो क्लिक किया बीबी लिखा आ गया, तो टैब पूरी खुलेगी आपके सामने ना कि आपने क्या कर रखा है, आपने उसमें सेलेक्ट करना है कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें कर रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं कैश ऑफिसर के लिए, तो वो आप मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप, और इस तरह जो है इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे, आप टैब करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तीर का निशान लगा वन डाउनवर्ड तीर, तो उसको भी आपके पास पूरी टैब खुल जाएगी, यूनिवर्सिटीज के नाम होंगे, यूनिवर्सिटीज के नाम अगर आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट उसमें आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो सबसे डाउन पे एक नाम होगा अदर का, आप अदर पे क्लिक कर देंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इसमें नहीं आया ना, इंस्टीट्यूशन के कॉलम के टैब में नहीं आता लिस्ट में, तो आप सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा अदर का, अदर पे आप क्लिक कर देंगे,
जरूरी नहीं है कि आपका इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर दिया गया हो। ईयर ऑफ कंप्लीशन मतलब किस साल में आपने कंप्लीट किया था, जिस साल में आपने मैट्रिक किया होगा या जो भी किया हुआ होगा वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अगर आपके पास है वर्क एक्सपीरियंस तो आप यस पे क्लिक करें, तो वो नीचे पूछेगा आपसे कि करंट जॉब कहाँ कर रहे हैं और वर्क एक्सपीरियंस क्या है। बिफोर अगर आप कह वर्क एक्सपीरियंस ने पूछ आप के टाइप कर देते नो, नो पर से नो पे कर रहे हैं, वो सारी नीचे इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर दी उसने कि जब वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो पूछ रहे हैं उसके बारे में भी नहीं पूछ रहा होगा किस जगह आप काम कर रहे हैं या नहीं। अब यस पे क्लिक करेंगे, देखें वो करंट जॉब के बारे में पूछ रहे हैं, भाई एक्सपीरियंस बताएं अपना आप। या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें, अब ऑर्गेनाइजेशन का जो है नाम आ जाता है आपको, जिस करंटली आप कहीं जॉब कर रहे हैं या जो भी एक्सपीरियंस है उनके नाम खुल जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ के, बैंक्स के, डिफरेंट एनजीओस के। बिलफर्ज आपका जो है वो जिस इंस्टीट्यूशन का आपका एक्सपीरियंस है उसका अगर नाम नहीं आता तो आप सबसे लास्ट में अदर्स के ऑप्शन होगा उसमें अदर्स के ऊपर क्लिक करते हैं आप। इसका मतलब ये होता है कि भाई इन जो आपने लिस्ट दी हुई इसमें तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं था, तो मैंने अदर्स पर क्लिक किया कि कोई और इंस्टीट्यूशन में काम करता रहा हूँ मैं। अब जॉब टाइटल लिख दें, अकाउंट्स ऑफिसर लिख रहा हूँ मैं। जॉब ड्यूरेशन अगर आप अभी वहाँ काम करें तो यहाँ पर क्लिक के ऊपर जो चेक का बटन लिखा हुआ है चेक इफ करंटली वर्किंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुद ही उनके पास चला जाएगा अभी यहाँ बंदा काम कर रहा है। ड्यूरेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे कहाँ पर जॉब थी, तो ये क्लिक करेंगे सारे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी उस पर आप क्लिक कर देना। मुल्तान वो पूरी टैब खुल रही है लेकिन वो शो नहीं हो रही आप लोगों को, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुल्तान कैसे लिखा गया, आप जाएंगे इजीली हो जाएगा एक करेंगे इजीली। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल किसी ने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, किसी ने तीन चार जगह काम किया हुआ है, दो जगह काम किया, ऊपर एक जगह लिखा था हमने अभी आपके सामने, तो अब यहाँ पर किसी और जगह काम किया उसने तो वो यहाँ पे लिख दे उसका एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम लिख दे, अगर लिस्ट में उसका नाम नहीं है इंस्टीट्यूशन का तो अदर्स पे क्लिक कर दे, जॉब टाइटल लिख दे, जॉब ड्यूरेशन बता दे, सिटी बता दे किस जगह काम किया था उसने, तो और फिर यहाँ क्लिक कर दे ऐड के बटन के ऊपर ना, तो इससे यह है कि ये एक्सपीरियंस भी आपका ऐड हो जाएगा उसमें। उसके बाद ये सीवी है, सीवी पुट करनी है आपने अपनी। अब सीवी जहाँ भी आपका अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जहाँ रखी हुई है तो उस फोल्डर का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रखी हुई है जाकर, और मोबाइल में आप लोग अगर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मोबाइल के आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि सीवी कहाँ किस कहाँ पर लिख रखी हुई है, आपने सीवी की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो आप जैसे चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो वो आपका उस फोल्डर में चला जाएगा खुद ही ना, आपसे पूछेगा भाई किस फोल्डर में जाना है, तो आप वहाँ फोल्डर में जाकर आप सीवी पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपकी सीवी उठा लेगा। पहले यहाँ इंसर्ट का लिखा हुआ था, अब यहाँ लिखा हुआ राणा शिराज, इसके मतलब यहाँ सीवी मैंने पिक कर लिया अपने सिस्टम से। सबमिट का बटन दबाएंगे, सबमिट हो गया आपकी, ये देखें डियर एप्लीकेंट थैंक यू फॉर अप्लाइंग, ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर फर्दर असिस्टेंट। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, अब यहाँ तो वेट किस बात का कर रहे हैं, सब कुछ इजी है आपके सामने और अप्लाई करें जाकर बाकी। तो गाइस अभी आपको मैसेज के थ्रू जो नंबर्स आप लोगों ने दिए हैं ना अपने अपने फॉर्म फिल करते हुए उस पर मैसेज आएगा आपको यूपीएल वालों की तरफ से, अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो मैसेज आएगा। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो टेस्ट का मैसेज करेंगे, आप लोगों को टेस्ट देना होगा। एक तो चांस ये है कि ज़्यादा चांस ये हैं कि आपसे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो, कि आपको लॉग इन और पासवर्ड आपको नंबर पर मैसेज आ जाएगा और आपने उसको और डेट भी बता देंगे और टाइम भी बता देंगे वो,
कि आप लोगों ने टेस्ट देना है, तो आप लोग ऑनलाइन वो लॉगिन के थ्रू, और वो भी मैं अब जैसे ही मैसेज आते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने टेस्ट को क्या कहते हैं फेस करना और देना है, अटेम्प्ट करना है टेस्ट। और दूसरा चांस ये है कि वो आपको एड्रेस भेज देंगे कि फलां इंस्टीट्यूशन में जाकर, जो भी आप लोगों के आसपास रहायश के आसपास जो इंस्टीट्यूशन होगा, हो सकता है दूर भी हो, कि वहाँ जाके आप लोगों ने इस टाइम पर इस इतने बजे टेस्ट देना है आपने, और वहाँ जाके आपने टेस्ट दे देना। टेस्ट देने के बाद आना, क्योंकि मैं वो एमसीक्यूज के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसकी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग देख लेना। मजीद आप लोग अगर 1 घंटा भी देते हैं ना डे का, क्योंकि अब से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें अपने अप्लाई करने के बाद इसकी प्रिपरेशन की, टेस्ट की, क्योंकि बेसिक चीज़ें होती हैं सारी, जनरल नॉलेज हो गया, डेली साइंस एमसीक्यूज हो गए, और पाक स्टडीज हो गई, करंट अफेयर्स तो मुश्किल हैं लेकिन करंट अफेयर्स भी हो गए, बेसिक मैथमेटिक्स हो गई, इस्लामिया के क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनके टेस्ट के अंदर ना, जो कि आप अगर थोड़ा टाइम दें ना डेली का, फॉर एग्जांपल 1 घंटा निकाल लें आप इस काम के लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं टेस्ट को। तो इसको नहीं बल्कि मजीद जो मैं जॉब्स की वीडियोस और भी डालता हूँ चैनल पर, चैनल विजिट करते रख रहे हैं आप लोग, तो उनके लिए भी, आपके इसकी प्रिपरेशन के लिए भी, वो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, और ये है कि दूसरी जो जॉब्स आती हैं उनको लिए भी जब आप लोग अप्लाई करें, उनका भी टेस्ट जब देंगे तो उसकी भी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो बाकी ये कोशिश होती है इंसान के हाथ में, बाकी कमियां भी अल्लाह पाक देता है बेशक, तो आप लोग अपनी कोशिश पूरी करें, बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। हो जाएगा, आप ये लोग कुछ ये सोच के बैठ दें कि इतने सारे एप्लीकेंट होंगे हम कैसे कामयाब होंगे, कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है, आपने कोशिश करनी है खाली, और वो कोशिश करें आप लोग, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो आप लोग जो हैं वो ज़रूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज होंगे, रिपीटेड एम सी क्यूज होंगे, क्योंकि एम सी क्यूज टाइप ही क्वेश्चन पेपर पेपर आता है, कोई इसमें लंबा चौड़ा नहीं आता पेपर, एम सी क्यू टाइप पेपर आता है, आप लोगों ने खाली टिक करने होते हैं राइट आंसर पर, और आंसर दिए जाते हैं इसमें। ये अल्लाह खैर करेगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मजीद ऐसी वीडियोस जिसके जिससे आपको आपके लिए आसानी हो सकती हो, और जो भी जॉब्स आने वाली होंगी उस चैनल पे अपडेट होंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।